गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और देखो भाई मम्मी ने सोच के क्या बनाया खाने में, ये आलू मटर, ये देखो इससे बनेगी मेरी बॉडी, इससे ये प्रोटीन का है इसमें। मम्मी ये क्या घटिया सब्जी बनाई आपने, इसमें प्रोटीन का है मम्मी। दाल कहाँ की? अबे वो परसों की दाल है, कब की बनी हुई है वो? सुबह तो आलू मटर कब किए फिर ये? तो भाई आज मम्मी ने व्रत करा, क्योंकि सबको पता है ना आज है करवा चौथ। आपने सुबह से कुछ नहीं खाया मम्मी? कुछ भी नहीं? अरे कुछ तो खाया होगा, अरे कुछ तो खाया होगा। ये कैमरे के बाद बताएं, कैमरा बंद कर दूंगा ना। क्या खाया आपने? केला, पानी, पानी पिया? कुछ भी नहीं, खाली पेट। और सुबह से मम्मी घूम के भी आ गई, पता नहीं क्या क्या शॉपिंग करके लिया। एक तो देखो ये लिया है दिवाली का सामान, ये है डब्बा। और क्या लेगा मम्मी? और क्या है? ये तो वो है यार, कैंडल है, इसके अंदर तो है कांच वाली। अरे तो दिखाओ ना, ये क्या बात है भाई, ये देखने के लिए क्यों आए? ये कांच देखने के लिए आए, दिखाओ इनको। वो तो दिवाली का सामान है ना। हाँ तो हम तो पहले दिखाएंगे, दिखाओ कहाँ है वो। देखो एक गिर, ये मैं पटाखे लिए आया। हाँ हाँ ये रे। अरे नहीं मजाक करो, पटाखे नहीं है इसके अंदर। बोलती है लेंगे कुछ काम के लिए, पटाखे लाऊंगा भाई, जरूर लाएंगे पटाखे। लेकिन वो नहीं, सीधा वो वाले आसमान, जो आसमान में ऊपर जाके पड़ते हैं ना, जमीन वाले। यार बोर हो गए, बचपन में फूलाते थे, वो फुलाते कह रहा हूँ, फोड़ते थे, सॉरी। ये तो बस ये दो ही डब्बे अभी कह रहा मैं, बहुत सारा लेके आई हूँ। ये देख सेम सेम डब्बा दिखा रहे हो इसको, ये देखो। अच्छा तो बाकी के तो दिखाओ, और बाकी ऊपर ही रख दिया हाथी भाई। ये लोग आए ना देखने के लिए, ये क्या बात हुई यार, ये क्या बात हुई, दिखाना चाहिए, दिखाओ भाई। ये है सारा का सारा सामान, ये देखो। एक तो ये हो गई अपनी प्लेट जैसी होगी ना सजाने के लिए, तो कुछ सजा लो कुछ, इसमें कुछ भी वो करके दे दोगे। हाँ, और एक ही हो गई हमारी, जिसको कहते हैं बंदर वाली, दिवाली पे है ना, बंदर वाली होगी जैसे दरवाजे पे बांधते हैं, ये वो हो गई। और जितना भी तुम भाई ये सामान देख रहे हो ना सारा का सारा, ये है उनका मतलब एनजीओ है ये, डिसेबल्ड जो पर्सन होते हैं ना उन सब ने बनाया, जो देख नहीं सकते, जो कुछ ना कुछ ऐसे दिक्कत हो रही जिनमें, ये उनके लिए। बाकी मैं हाँ ब्लाइंड वगैरह ने, तो मैं नीचे ना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा किसी को अगर परचेज करना हो तो। ऑनलाइन मिलता है सामान ये? ऑनलाइन मिलता है, मेरे को पता नहीं वैसे, मतलब एक तरीके के भवन वगैरह है वहाँ स्टोर वगैरह मिलता है, तो ले लेना किसको पसंद आया तो। ये देखो एक ये अभी खोल के दिखाता हूँ भाई सबको, ये देखो क्या क्या है इसके अंदर, ये देखो कितना सामान लिया मैंने। ये देखो ये है सारे पैम्फलेट वगैरह, ये रहा ठीक है। और ये देखो ये हो गई अपनी कैंडल, ये हो गई खुशबू वाली कैंडल, और ये ग्लास है ना बाहर से, ये वाला, ये सब खाली हो जाते हैं बाद में। नहीं ये फ्रेम तो ग्लास का है ना, ये वाला लग रहा है मेरे को ऐसा, हाँ वो देखो लग रहा है प्यारा, मैं सुंदर। और ये हो गई मोमबत्ती, ये सारी, और सारी खुशबू वाली है सारी की सारी। ये देखो ये भी है, क्या नाम है, ये हो गया अपना, ये हो गया ना क्या कहते हैं इसको, मतलब दिए की जगह। हाँ हाँ दिया 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 वो, ये देखो दिया ये, लेकिन सारे खुशबू वाले, तो बार बार बता रहा हूँ सारे खुशबू वाले हैं, जैसे अपने स्कूल में नहीं होते थे रबड़ बैंड, उसमें रबड़ में से। ये देखो सारे, एक दो खोल के दिखाता हूँ, एक खोल के दिखाओ, ये वाला खोल के दिखाओ। ये देखो भाई इस तरीके से है, और जलने के बाद, हाँ जलने के बाद ऐसा हो जाएगा। ये देखो ये ऐसे रहेगा, इसके अंदर टी लाइट। अरे बहुत सुंदर है भाई, तुम ऐसे मत देखो ठीक है ना, इसके अंदर मुल लगेगी, क्या नाम है, मोमबत्ती। मेहनत कितनी, ब्लाइंड्स ने बनाया है, जिनकी आंखें नहीं है उन लोगों ने इसको बनाया, सोचो कितनी मेहनत लगी होगी। तो सारे हैंडमेड है सारे के सारे, ठीक है। ये देखो कितना प्यारा लग रहा है, अभी तो बस देखते हो भाई तुम, इसके अंदर जलेगा तो क्या मजा आ जाएगा इसके अंदर। तुम इसके अंदर ये वाली कैंडल रख सकते हो, कांगी छोटी वाली, येरी ये डाल सकते हो इसके अंदर। और एक ये देखो, ये देखो हाँ इसको भी खोल के दिखाओ। और भाई ये देखो, ये है अरोमा कैंडल, ये देखो कितनी बड़ी सारी की सारी। ये देखो ये है संस्थान, ये देखो अंतर्दृष्टि, ठीक है। और सारी देखो एक हफ्ता तक चलेगी, मुश्किल से एक हफ्ता नहीं मिल, तो उससे भी ज्यादा चलेगी ये। और ये देखो एक ये है सेट अंदर वाला, देखो कांच का बना हुआ, ये देखो नाजुक है वाली। देखो अब देखो ये देखो, इसके ऊपर रखा जाता है, मतलब पूरा ग्लास केस है ये ग्लास। अभी तो दिवाली पे तुम्हें अनबॉक्सिंग पूरी करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो तुम, ठीक है। देखो ये है तुम्हारे भाई का स्किन केयर रूटीन, आज से मैं स्किन सीरम लगाने लग गया हूँ, देखता हूँ कितना चमकूंगा मैं। पहले से चमकता था, चमकता तो था मैं यार, अब तुम लोगों को चश्मा पहनना ना पड़ जाए कहीं। ये देखो ये खुलने के बाद ऐसा लगता है बांदर वाला है ना, देखो सारा सारा हैंडमेड है ये, वो है कागज वगैरह गत्ते से बना हुआ है, जैसे हम स्कूल में प्रोजेक्ट वगैरह बनाते थे ना, इनको सिखाया जाता है बनाने के लिए, देखो ठीक है। लग रहा है कितना सुंदर, देखो कागज है पीछे, ये देखो देखो ये मम्मी आया करती है, देखो मतलब मुंह धोने के बाद शीशा ही छोड़ देती है, फिर मेरे को साफ करना पड़ता है, देखा। लेकिन अब तुम लोग एक बार फर्क देखो, लग रहा है कुछ फर्क लग रहा है गाइस, हटो यार गाइस, फर्क लग रहा है सीरम लगाने के बाद, लग रहा है मम्मी आपको, लग रहा है फर्क,
है चमक आ गई क्या एक बारी में आ गई चमक आपसे ज्यादा कर रहा है ना दिखाना एक बारी गाइस कंपेयर करो गाइस गाइस कंपेयर करो कौन लगा जो कौन ज्यादा चमक रहा है मम्मी ने भी सिर्फ पानी से मुंह धोया मैंने सिर्फ सीरम लगाया गाइस देखो अब तुम लोग बता देना खुद ही कमेंट में ये देखो भाई ये रही वो दाल ये 3 दिन पुरानी दाल खिला रही है मेरे को अब पेट खराब हो जाएगा तो पापा जी आप देख लेना है चल लेंगे हॉस्पिटल और क्या ये देखो अलमोटर आज की है मम्मी कह रही है दाल आज की बताइए आपने मेरे को सुबह की नहीं है ये परसों खाई थी मैंने मेरे को याद है अच्छा उसी बर्तन में दोबारा बन जाएगी क्या है बर्तन भी वही है सब्जी वही है क्वांटिटी उतनी कल खाई थी मैंने मम्मी कह रही है कि ना सुबह बनाइए चलो कोई नहीं भाई खा लेते हैं और क्या कर सकते हैं भाई कोई बात नहीं सब्सक्राइबर में से कोई ऐसा बंदा हो ना जिसको ये मीटर के साथ छेड़खानी करनी आती है तो बता देना कि हम लोग गैस इस्तेमाल करते रहे और मीटर मतलब एक ही यूनिट पे रुक जाए ऐसा कोई हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना तो अभी फिलहाल सब्जी तो मैंने गरम कर ली दोनों अब मैं गरम कर रहा हूँ रोटी हो गया फिलहाल खाना गरम और अब मैं थोड़ी सी पेट पूजा कर लूँ फिर मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में फिलहाल मैंने खाना खा लिया है और इधर मम्मी हो गई तैयार करवा चौथ के लिए कैसी लग रही है मम्मी कमेंट में सब बता देना या हर साल ये एक ही साड़ी पहनते हो ये बता दो ये हर साल पहनते हो ये अपने फॉल ये मेरे होने पे नानी जी ने दी थी उसके बाद से आज पहनी है मैंने 26 साल बाद अरे नहीं यार हर साल यही पहनते मेरे को याद है मैं देखता हूँ साड़ी के ऊपर पहनते हैं अच्छा तो ये क्या है फिर इसको क्या कहते हैं अच्छा ये साड़ी है मिगल जी आपने नया लगाया ये है ना ये 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 कुछ नहीं ये सब वही है वही है 26 साल बाद पहनी है साड़ी मैंने हाँ वो तो ठीक है लेकिन इतना चेहरा सफेद क्यों कर रखा आपने देखो भाई देख रहे हो ये माथे का कलर अलग और चेहरे का अलग इससे सुंदर थोड़े बनते हैं नेचुरल सुंदर होती है औरत ये क्या तरीका है ये चलो पहले मम्मी और अभी चाची वगैरह सब नीचे जाएंगे अभी पूजा वगैरह करने के लिए हाँ भाई हाँ मुझे पता है भाई लास्ट लोग मैंने लाल टी शर्ट पहनी थी देखो वही है क्या करे भाई सर्दी आ गई है पसीना आता नहीं है तो मतलब टी शर्ट गंदी भी नहीं होती तो है ना चलाओ भाई क्या हो गया क्या दिक्कत है सालों साल चलाओ पूरी सर्दी निकाल लो उसमें अब तुम देखो कैसे घिसता हूँ उसको मैं जब पसीना ही नहीं आ रहा तो टी शर्ट गंदी कैसे होगी बदबू कैसे आएगी टी शर्ट में नहीं आ रही मतलब साफ है टी शर्ट पहनो भाई अभी फिलहाल नीचे चलते हैं और देखते हैं ये लोग क्या पूजा कर रहे हैं ये देखो बड़ी मम्मी की साड़ी कैसी लग रही है अपने बाल कलर करा ली बड़ी मम्मी काले हो रहे सारे भाई मम्मी ना बड़ी मम्मी वो लगा रही मेहंदी डिजाइन से लग रहा है ये हाय डिजाइन सही लग रहा है क्या बताओ ये कोई और ये डिजाइन सही है ये कोई और लगवाना है बताओ नहीं सही है सही लग रहा है ये और यहाँ पे थोड़ा अभी पूजा का सेटअप अभी आधा हुआ है पूरा नहीं हुआ अभी चाचा ऊपर बड़ी चाची यहाँ आने वाली है अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ बैंक पैसे डालने के थोड़े से आपको 2 मिनट बाद A few moments later. जिम से आ गए घर और अभी टाइम हो रहा है 9:30 मैं लेट हो गया थोड़ा सा लोगों ने चांद वगैरह सब देख लिया ये तो गलत करा मम्मी आपने लेट आएगा तो गलत है मैं ये चावल ढूंढने में लग गया था सारी मार्केट में पूछा काफी ज्यादा रेट महंगा था सस्ते वाले से ले गया ऐसी बचत करता तुम्हारा भाई मम्मी ने मम्मी का आज व्रत था ना करवा चौथा इनको इतनी भूख लगी क्या क्या बना दिया मिर्ची के पकौड़े प्याज के पकौड़े आलू के और कौन से पकौड़े बनाए आपने वो देखो ये पनीर की सब्जी और क्या था और क्या था इतनी इतनी भूखी मम्मी लग रही पूरी रसोई खाली कर दोगे क्या आप ये देखो वो खीर भी ले आए मम्मी वाह ये सही यार मैंने तो व्रत नहीं रखा लेकिन अच्छा लग रहा है मेरे को देख के कि हाँ कुछ ना कुछ अच्छा बन रहा है आज ये रोज व्रत रखा करो अब तो मम्मी यार और कोई सब्जी मम्मी और पकड़े कोई भी नहीं आज हम तीनों साथ में खाना खाएंगे देखो क्या 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 आज राजभोग लगा हुआ है पूरा खाने के लिए भाई अभी पापा जी मम्मी का व्रत खुलवाएंगे मीठा की लगी है हमारी प्रसाद की खीर जय श्री राम भाई खाना हो गया फिनिश फिलहाल का ब्लॉग मैं यही एंड करता हूँ आई होप आपको पसंद आएगा तो लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय